S-400 जल्द ही भारत आने वाला वो मिसाइल सिस्टम है जिसके तैनात होने के बाद पाकिस्तान तो घुटने टेकेगा ही, चीन के आसमान में भी कर्फ्यू लग जाएगा। भारत ने रूस के साथ 5 S-400 का करार किया है, पेमेंट भी हो चुकी है। हाल ही में जब राजनाथ सिंह रूस गए थे तब वहां से S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी सुनिश्चित कर वापस लौटे। S-400 के 5 सिस्टम मिलने के बाद भारत का आसमान इस तरह महफूज हो जाएगा, 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का न कोई विमान फटकेगा न कोई मिसाइल दाखिल हो पाएगी। पूरा पश्चिमी बॉर्डर और उत्तरी बॉर्डर के साथ पूर्वी भारत का आसमान भी S-400 के साथ महफूज रहेगा, यानी न पाकिस्तान के पास न चीन के पास भारत पर हमले का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि दुश्मन सेना के विमान जैसे ही टेक ऑफ करेंगे वो S-400 के रडार पर दिखने लगेंगे और भारत के लिए उन्हीं की जमीन पर उन्हें मार गिराने की अचूक राह दिखा देगा। 1960 से अब तक भारत और रूस के बीच करीब $70 अरब की डिफेंस डील हो चुकी है। आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। चीन से युद्ध लड़ने के लिए लंबे वक्त तक आधुनिक हथियारों की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए रूस तैयार है। साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी से वादा किया है कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध अभी और मजबूत होंगे। मोदी और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री दो मुल्कों की सॉलिड बॉन्डिंग का दमदार इशारा करती है। जब जब मोदी पुतिन से मिले या फिर पुतिन मोदी से, दोनों की बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री गजब की नजर आई। इन रिश्तों में एक दूसरे के लिए कितना आदर है इन तस्वीरों से समझिए। पिछले साल सितंबर महीने में पीएम मोदी 2 दिन के लिए रूस गए थे। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन खत्म करने के बाद मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाए, फिर मोदी रुके और पुतिन को आगे चलने का इशारा किया, लेकिन पुतिन बोले मैं नहीं आप आगे चलें। मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और तब से कई बार वो पुतिन से मिल चुके हैं। मोदी के कार्यकाल में भारत और रूस की दोस्ती और गहरी हुई है। दुनिया के हर मंच पर रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आतंकवाद से लेकर कश्मीर तक रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और अब पीएम मोदी को फोन पर भारत के साथ सामरिक साझेदारी को और बढ़ाने की बात कर पुतिन ने ये भी साफ कर दिया कि चीन से तनातनी के बीच वो भारत के साथ खड़े हैं।